हेलो गाइस, चलिए आज हम बनाते हैं पनीर के कोफ्ते। चलिए फिर बनाते हैं। हमने पनीर को ले लिया इधर कद्दूकस करके। लेने के बाद हमने इधर शिमला मिर्च, प्याज और गाजर भी कटिंग करके रख लिया है। सभी को पनीर में डाल देंगे और इधर मैदा 2 चम्मच डाल देंगे, नमक डाल देंगे, गोल मिर्च पाउडर डाल देंगे और जीरा पाउडर डाल देंगे। सभी को मिला लेते हैं। आप चाहे तो और भी मसाले ऐड कर सकते हैं। और इन सभी का बॉल बना लेते हैं। हम इस तरीके से बॉल बना के तैयार करते हैं। सभी बॉल हमारे देखिए बन के तैयार हो गए हैं। इधर गरम तेल था, गरम तेल में सभी को हम निकाल लेंगे और इस तरीके करके हमें सभी को निकाल लेना है। इधर हमने मसाले की भी तैयारी कर ली है। प्याज, अदरक, मिर्च, लहसुन और काजू सभी को ले लिया है, तैयार कर लिया है। टमाटर भी, और तेल गरम था, लहसुन अदरक डाल दिया, मिर्च डाल दिया, काजू डाल दिया और प्याज ऐड कर देना है। प्याज ऐड करके सभी को थोड़ी देर मिला लेना है। मिलाने के बाद हम टमाटर ऐड करेंगे, टमाटर को भी थोड़ी देर पकाएंगे और फिर नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद थोड़ा पानी डाल के ढक के रख देंगे। थोड़ी देर बाद हमें इसका पेस्ट बना के तैयार करना है। पक गया, अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तेल गरम था, तेल में इलायची, लवंग, गोल मिर्च, जीरा डाल दिया है। फिर हमने मसाला जो पेस्ट बना के रखा था वो डाल दिया है। फिर स्पाइसी मसाला डाल दें, जैसे किचन किंग, गोल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर सभी को डाल दिया। अच्छी तरीके से पका लेना है। फिर थोड़ा पानी डाल देना है। पानी डाल के हमें पका लेना है अच्छी तरीके से। फिर हमें देखिए उबाल आने लगा है। इसमें हम मलाई डाल देंगे। आपको क्रीम हो तो क्रीम भी डाल सकते हैं। मेरे पास मलाई था तो मैं मलाई डाल दिए। अब देखिए कोफ्ते बन के हमारे तैयार हो गए हैं। आप इसे सर्व कीजिए। देखिए एकदम सॉफ्ट से कोफ्ते बन के तैयार हुए हैं। इन्जॉय कीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर।